मैं अपने पंचायत के लोगों को आग्रह करना चाहती हूँ कि जो भी बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े जो भी हैं और जितने भी महान लोग भी हैं हमारे पंचायत में, उनसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ, पंचायत वासियों की एक बहू हूँ और आप लोग हमें सहयोग दें, एक बार मुझे मौका दें, मैं विकास की गंगा बहा दूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं SGTV बिहार न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद के बिशुनपुर ओकरी पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता विभूति शर्मा जी के घर पे, और इस बार की भावी उम्मीदवार के तौर पे उभर के आ रही हैं रिंकू शर्मा जी, जो उनकी धर्म पत्नी है। पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहली चरण की नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। जो भी मुखिया पद के प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्रों में घूमना शुरू कर दिए हैं। इसी बीच में मैं पहुंच चुकी हूं ओकरी में, और विभूति शर्मा जी की पत्नी रिंकू शर्मा जी से आज हम लोग सीधी बात करेंगे और जानेंगे कि पंचायती चुनाव में क्यों खड़ा होना चाहती हैं। आप मुखिया का चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं? मुझे जनता की सेवा करना अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है जनता की सेवा करना, और मैंने वीडियो के माध्यम से देखा है कि मेरे पंचायत का स्थिति बहुत बदतर है, तो इसलिए मैं विकास करना चाहती हूँ। आप इस बार का जो चुनाव है, पंचायती चुनाव है, वो किन किन मुद्दों पे लड़ना चाहेंगी? स्वास्थ्य है, शिक्षा हो गया, और वीडियो के माध्यम से मैंने देखा कि मेरे पंचायत में रोड नहीं है, नाला बढ़िया नहीं है, और बहुत जगह जल का व्यवस्था नहीं है, नल जल का। तो मैं जीतूंगी तो सारा चीज़ की व्यवस्था मैं करूंगी और सारा फैसिलिटी मैं अपने जनता को दूंगी। बार बार वीडियो का जिक्र होता है, तो क्या आप अपने गांव में नहीं रहती? मैं चंडीगढ़ में अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए मैं रहती थी, और वहाँ के फैसिलिटी देखकर मेरे मन में एक बार जाग गया कि क्यों नहीं मैं अपने पंचायत में और शहर के तरह ही विकास करूं, और ये देखकर मेरे मन में एक बार बात आई और मुझे फैसला लेना पड़ा कि मैं अपने मुखिया के चुनाव के द्वारा मैं और पंचायत को आगे बढ़ाऊं। अपने बच्चों के जब पढ़ाई लिखाई करने के लिए मैं चंडीगढ़ रहती थी, तो मैं मंदिर से भी जुड़ी हुई हूँ और सारे ग्रुप मिलकर हम लोग सीजन के अनुसार, गर्मी के दिन में कपड़े हो गए गर्मी के कपड़े, और सर्दियों के जब सीजन आया तो सर्दियों के कपड़े हो गए, साल है, स्वेटर है, बिस्किट है, साबुन, जैसा भी जिसी को मतलब ज़रूरत के अनुसार मैं अपने अनाथालय में और गरीबों को सेवा किया। आप अपने गाँव के लोगों को क्या बोलना चाहेंगी? ग्राम पंचायत के लोगों से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिनको भी अपने पंचायत में जिनको भी चुने, वो साफ सुथरे छवि वाले को चुने, साथ में विकासशील होना चाहिए, विकासशील को चुने कि आपका पंचायत आगे बढ़े और हमारे पंचायत में विकास का कार्य किया जाए और किसी तरह का कोई बदनामी ना हो हमारे पंचायत में। आप अपने गाँव के लोगों को, पंचायत के लोगों को क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत के लोगों को आग्रह करना चाहती हूँ कि जो भी बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े जो भी हैं और जितने भी महान लोग भी हैं हमारे पंचायत में, उनसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ, पंचायत वासियों की एक बहू हूँ और आप लोग हमें सहयोग दें, एक बार मुझे मौका दें, मैं विकास की गंगा बहा दूंगी। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमारे साथ हैं। इसी के साथ तीज पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।